हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से। सो गाइस, जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, आज समर भाई के कुछ ऐसी बातें हैं कि उस पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोग हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना, और पहले सारे वीडियो देखिएगा फिर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, समर भाई के कुछ ऐसी बातें हैं कि मुझे हजम नहीं हो रही है, तो मैंने सोची आप लोगों से मैं कुछ शेयर करूं, और आप लोग भी मुझे जवाब दीजिए कमेंट द्वारा कि क्या यह सही है कि गलत। जैसे कि हम वीडियो में देख रहे हैं, समर भाई अपने घरवाली को गुनगुन को बराबर कह रहे हैं कि गुनगुन तुम मान जाओ, यहाँ से चली जाओ, और तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता, तुम मेरे पत्नी नहीं हो, मेरे पत्नी राधिका है, और तुम्हारे शादी मैं करवा देता हूँ। तो ये बात आप बताइए, आपसे पूछ रही हो, आदमी अपने घरवाली को शादी करा सकता है क्या? आदमी शादी नहीं करा सकता है। और समर भाई जो कह रहे हैं कि मतलब तुम मेरी घरवाली वाइफ नहीं मानता हूँ मैं, माने या ना माने, रिश्ता जो होता है वो टूटता नहीं है। रिश्ता जो एक बार जुड़ गया, जो हो गया रिश्ता, तो उस रिश्ते को आप मानो या मानो, वो बीवी है तो बीवी रहेंगी। जब वो कहते हैं कि मैं वाइफ नहीं मानता हूँ, तो उनको मानने से क्या होता है? दोनों ने डिवोर्स थोड़ी दिया है, एक ने ये समर भाई खुद से साइन कर दिए हैं, तो ऐसे डिवोर्स थोड़ी हो गया। अगर दोनों के राजी से दोनों अगर डिवोर्स देते हैं तो डिवोर्स होता है, एक तरफा डिवोर्स नहीं होता है। हाँ, तो वो बराबर कहते हैं दोनों राजी होंगे तब डिवोर्स होगा, तो होगा। एक साइन करने से कुछ नहीं होता है, एक चाहे और एक ना चाहे तो वो डिवोर्स नहीं हुआ। तो कैसे, मैं तो मतलब मेरे ख्याल से वो पहला ऐसे इंसान है कि अपने घरवाली को खुद शादी कराना चाहते हैं, क्या कोई फील नहीं होता होगा क्या? अपनी घरवाली की शादी कराने कौन कहेगा यार, मतलब ही नहीं होता कोई कहे। तो हमारे मुसलमान भाई में हमें मतलब जितना अपने तजुर्बा है और हमने जहाँ तक देखे हैं जानते हैं, उतना हमारे मुसलमान भाइयों में जो दो या तीन शादी कर लेता है तो ऐसा कभी नहीं करेगा। अपने जहाँ तक के मैं सुनी हूँ कि पहले बीवी का ज़्यादा हक होता है, ज़्यादा अधिकार होता है, तो ये समर भाई का कैसा कानून है? और ये मैंने पहली बार देख रही हूँ कि दूसरी बीवी को जितना वो अहमियत दे रहे हैं, पहली पत्नी को कुछ भी ना, मतलब उसके तो अपने पत्नी मानने से भी इनकार कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब अपनी पत्नी माने ना माने, पत्नी तो है उनकी, वो पहली बीवी है, वो हमारे में तो शादी हो जाए, दो कर लें, दो कर लें, लेकिन पहली बीवी है तो वो बीवी रहेगी, माने ना माने थोड़ी कुछ होता है। अब वो नहीं जाएंगी निकल के, घर में से कोई निकाल नहीं सकता उनको ज़बरदस्ती। और ये कहते हैं कि हम पुलिस बुलवा, मजबूरन पुलिस बुला के निकालना पड़ेगा, तो पुलिस आके क्या निकाल देगी? पुलिस तो निकाल ही नहीं सकती, पहली बीवी को कहेगी वो एक हो, दूसरी को भी कर लिया है तो उसको भी रखेगी पुलिस, कहेगी वो भी रहेगी और वो भी रहेगी, बल्कि उल्टा डांटेगी पुलिस। घर पे हक उसका पहले पहले वाली का भी है ज़्यादा, दूसरी वाली का कम है, उसका ज़्यादा है, क्योंकि वो बाद में आई है। सो गाइस, ये गुनगुन जो घर पे अपने चली गई थी और नहीं आ रही थी, तो हर किसी को बुरा लगता था, राधिका भी चली गई है। एक बात अभी याद आया मुझे, जो ये मतलब लड़की नाराज हो के माँ बाप लड़की को अपने घर पे ले जाए, तो हर रोज़ घुमाने लेके आते हैं ससुराल में क्या? नहीं, वो लोग राधिका के पापा हर रोज़ लेके आ जाते हैं गुन और राधिका। नाराज होकर घर चली गई तो बार बार रोज़ रोज़ घर पर क्यों आ रही है, बराबर लेके क्यों आ रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ फिर जाने से? हाँ। और जब लेके गए हैं तो समर भाई ले जाते, वो जाते मनाते, उनकी मम्मी जाती मनाती लेके आती, जैसे कि आज हम वीडियो में देखे हैं उनकी मम्मी गई है, तो ठीक है इनका फ़र्ज बनता है, वो नाराज़ होकर चली गई तो ये जाते लेके आते हैं, मगर हर रोज़ राधिका को पापा लेके आ जाते हैं फिर लेके जाते हैं, ये कौन सी कानून है, ये कौन सी ड्रामा है, समझ में नहीं आता। तो है जो पहले गुनगुन ने किया था वो अब राधिका कर रही है, उनके माँ बाप कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो राधिका की कोई गलती नहीं है, गुनगुन का गलती है, वो गुनगुन का गलती हर किसी को दिख रही है। हमने ये भी पहली बार देखे हैं कि बेटी नाराज होकर चली जाए, चाहे माँ बाप नाराजगी में ले जाता है, तो खुद हर रोज ससुराल घुमाने भी लाते हैं लोग, और फिर घुमा के बातचीत करके फिर लेके जाते हैं लोग, चल बेटी
चल बेटी यहाँ पे रुकना सही नहीं है, हमने तो समर से मिलाने लाए, हमने तो दिखाने लाए, या तो समर के इतना ही हम दर्द हो तो समर के पास रहने दो ना, क्यों लेके जा रहे हो? जो गलती गुनगुन के माँ बाप करा, गुनगुन करी, तो तुम लोग भी तो यही कर रहे हो। तुम लोग कौन सी समझदार हो? राधिका कौन सी उनके साथ दे रही है? उन्हें भी तो बराबर मतलब उनके साथ होना चाहिए, उनकी दुख सुख में साथ खड़ी होती। डिप्रेशन में चले गए थे तो डिप्रेशन में इनके वजह से भी तो जा रहे हैं, इनको भी तो मतलब तकलीफ़ हो रही है, खाना पीना सब छोड़ दे रहे हैं, तो राधिका क्यों चली जा रही है अपने घर? तो ये है कि जो समर भाई जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं अब, क्योंकि गुनगुन को जाओ करके और यहाँ से ऐसे कैसे चली जाएंगी? वो उनका भी घर है, उनका भी हक है, तुम्हारे ऊपर दोनों का हक है, गुनगुन मैडम का भी और राधिका का भी। समर भाई जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, बात तो सुनो। जबकि वो गुनगुन मैडम कह रही हैं कि तुम रहो राधिका से, कि यहीं पर रहे, मैं तेरे तुम हम दोनों साथ साथ रहेंगे, वो राजी नहीं है रहने को, जो बाद में आई है। घर में कौन किसके घुसा? राधिका घुसी कि गुनगुन घुसी? राधिका घुसी। राधिका कह रही है नहीं मैं तेरे को बर्दाश्त नहीं करूंगी। और घर में किसकी घुसी है? अगर राधिका की गुनगुन बाद में आई होती शादी कराऊंगा तो ठीक था, उनको कहना गुनगुन की शादी पहले हो रखी है, बाद में राधिका आई हो करी मैं, ये उनको गुनगुन को कहना चाहिए था। वो कह रही राधिका, जबकि गुनगुन करी कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे और मिलकर रह सकते हैं। निकालने के बाद तो गुनगुन को करना चाहिए था, उल्टा ही राधिका कर रही है। हाँ, कि तू मेरे घर में घुसी है, मेरे आदमी को तूने शादी करी है, शादी होते हुए तो तू निकल, तेरा राइट बनता निकलने का, मेरा थोड़ी बनता है। और ऊपर से राधिका के माँ बाप भी निकालते हैं। राधिका के माँ बाप जो हैं वो गुनगुन से कहते हैं कि तुम निकलो अपने घर जाओ, तुम शादी कर लो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। तो उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि शादी पहले किसकी हुई है, किसको निकलना चाहिए? जो बाद में आता है वो निकलेगा, या जो पहले का शादी हो रखी है जिसकी वो निकलेगा? कैसे लोग हैं यार, समझदार कैसे नहीं है ये लोग, इनके दिमाग में ये कैसे बात नहीं आ रही है? जिसका घर है वो निकलेगा, या जो दूसरा आके किराएदार बैठ जाएगा वो निकलेगा? तो चलिए गाइस, ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन सी क्षेत्र से देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो आप लोग, और हम लोग हल्द्वानी से, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जो लोग सब्सक्राइब नहीं कराए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।